हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ नहाकर रेडी, मेरी पूजा भी हो गई है और आज मैं बहुत ही सुबह मतलब जल्दी जग गई हूँ। लगभग 5 बजे मैं जगी हूँ क्योंकि इनको जाना था बाहर, तो सुबह मैं उठ गई, इनका नाश्ता बनाई हूँ, उसके बाद मैं दूध लेकर आई हूँ और फिर दूध मैंने गर्म किया है, फिर घर की साफ़ सफ़ाई की है, थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग भी की है अपने रूम की। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा ही बहुत किया है क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है क्लीनिंग भी मैं स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि तो फेस्टिवल में फिर बिजी हो जाऊँगी तो नहीं हो पाएगा। वैसे डीप क्लीनिंग तो मैं दिवाली के टाइम करूँगी, अभी दशहरा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि नवरात्रा में मेरा फास्ट रहेगा तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी इसलिए। और अभी जो है मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो खाने में मैं बनाऊँगी कर्ड राइस, देखिए किस तरह से बनाती हूँ। और आप लोग राधा रानी और लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जो है कर्ड राइस बनाती हूँ। वैसे बिहार में इसको बहुत लोग भटजौर भी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ वहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आप लोग को राधा रानी के दर्शन करा देती हूँ। तो आज राधा रानी और लड्डू गोपाल को मैंने जो है ग्रीन ड्रेस पहनाया है क्योंकि आज वेडनेसडे है, इसलिए कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने जो है मशीन भी लगा रखा है, ये देखिए कपड़े सारे धुल रहे हैं, मौसम बिल्कुल चेंज है, लेकिन ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तो मैं धो देती हूँ, बालकनी में ही डालूँगी। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बारिश हो रही है, सुबह में हल्की हल्की बारिश हुई है, अभी तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम बिल्कुल चेंज है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मौसम काला बादल है, हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बारिश होगी फिर बारिश होगी। चलिए चलते हैं, फटाफट से जो है कर्ड ड्रेस बना लेते हैं। तो चावल जो है रेडी हो गया, यहाँ पे मैंने कहीं से भी पेस्ट लिया है और इसका पेस्ट निकल जाएगा, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करेंगे। राइस रेडी हो गया है, आप लोगों में से किसको किसको ये पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ये टेस्टी लगता है, ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, जब ये नहीं रहते हैं तभी मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर इनको उतना पसंद है इसलिए मैं अक्सर जब ये नहीं रहते तभी बनाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोगों में से किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ सिखाने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो
दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जो है नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जो सिंघाड़ा मंगाया था उसे मैंने सुखाया था, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो वो मैंने यहाँ पे रख रखा है। इसे मुझे कूटकर और पीसकर इसका आटा तैयार करना है, तो इसके लिए वहाँ पे देखिए खल रखा हुआ है, उसे मैं उतारूँगी और उसमें कूटकर और मिक्सी में इसे मैं पीस लूँगी, तो इसका जो आटा रेडी हो जाएगा, तो मेरा नवरात्रि के लिए हो जाएगा फलाहार वगैरह बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से इसे कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों सिंघाड़े का आटा मैंने रेडी कर लिया है। मैं घर पे ही बनाती हूँ ये आटा, क्योंकि बाहर मार्केट वाला जो है वो उतना अच्छा नहीं होता। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ना पैकेट मंगाया था, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं जो है साबुत मंगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कूट कर जो है इसका आटा तैयार करती हूँ। पहले हम लोग इसी तरह से इसका आटा तैयार करते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही मंगा लेती हूँ और आटा तैयार कर लेती हूँ, कम से कम प्योर तो होगा इसमें, पता नहीं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया, बहुत ही ख़राब लगा था, पूरा हलवा जो है मुझे फेंकना पड़ा था, इसलिए मैंने सिंघाड़ा मंगा लिया और कूट कर आटा तैयार कर लिया। तो मेरा जो है नवरात्रि का तैयारी शुरू हो गया है। हाँ अभी मुझे और भी काम है, तो वो सभी मैं कर लेती हूँ, थोड़ी देर अभी मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो बाकी काम है वो मैं करूँगी, तो मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अभी ना शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने जो है अपना चाय ले लिया है, शाम का चाय, और चाय पीने के बाद जो है मैं दिया दिखाऊंगी। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा काफ़ी अंधेरा हो गया है, टाइम 6:15 हो रहा है लेकिन अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो चाय पीने के बाद मैं दिया दिखा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने अलमीरा जो है खोल दिया, और ये देखिए मेरा अलमीरा का हाल क्या हो गया है, पूरा मैसी हो गया है, मुझे इसे सही करना है, बिल्कुल अच्छे से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा अलमीरा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो दोस्तों सारा काम मेरा ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो है मैं लिस्ट बना रही हूँ नवरात्रा का, क्योंकि भाभी को चाहिए, मुझे तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए पूजा के लिए, मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो मंगा लिया है, तो मैं नॉर्मल ऐसे ही पूजा करती हूँ, मैं कलश स्थापना वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं होता है, तो मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ और फास्टिंग करती हूँ। ये लिस्ट मैं भाभी के लिए बना रही हूँ, पिछले बार भी मैंने उनको भेजा था लेकिन वो मोबाइल में से उनका डिलीट हो गया, नया मोबाइल आया है, तो उन्हें मैं बनाकर भेज देती हूँ, और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी ताकि आप लोग को भी आसानी हो, अगर आप लोग भी नवरात्रा कर रहे हो और आपको कुछ कुछ सामान चाहिए हो तो आप लोग के लिए भी ये ईजी हो जाए, तो मैं इसे रिकॉर्ड करके और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं फटाफट से जो है ये तैयार कर लेती हूँ लिस्ट, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अपना डिनर, तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू दम और रोटी, यहाँ पे सब्जी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये देखिए मेरा डिनर भी रेडी हो गया है, अब डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मेरा डिनर हो गया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, कल थर्सडे है तो मुझे पूजा के लिए जो है लड्डू बनाना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर सारा कुछ निकाल के रख दिया है, यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया है, बेसन है और ये सूजी है, तो फटाफट से जो है मैं लड्डू बना लेती हूँ, और चीनी इधर है तो लड्डू की तैयारी मैं कर लेती हूँ। Oh,
तो दोस्तों लड्डू मैंने बना लिया है, आप लोगों ने देखा। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।